उत्तर प्रदेश और बिहार उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार पर एक तरफ विपक्षी दलों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है तो वहीं अब पटना से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी हार को लेकर अपनी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नतीजे बता रहे हैं कि आगे की राह आसान नहीं है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर सबसे पहले अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव और तेजस्वी यादव को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने हार के लिए बीजेपी की खिंचाई की। उन्होंने लिखा कि चुनावी नतीजे चीख चीख कर पार्टी के भविष्य को लेकर इशारा कर रहे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। भविष्य का रास्ता पार्टी के लिए बहुत उबड़ खाबड़ है। पार्टी जितनी जल्दी इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलेगी उतना ही बेहतर होगा। वहीं सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम लिए बिना लिखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार उपचुनाव के नतीजे इन दोनों नेताओं को साफ संकेत देते हैं कि पार्टी के भविष्य को लेकर इन्हें अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी कई बार पार्टी की नीतियों को लेकर आलोचना कर चुके हैं। रिपोर्ट।